हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओलिजर में। दोस्तों, आज मैं आपको लेटर फॉर्मेटिंग पार्ट 5 हिंदी पत्र के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, ये रहा हमारा लेटर। इस प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट आईडीसी एग्जाम में हमें दिया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हम इसके लेटर फॉर्मेटिंग का हमें पता करना है कि किस प्रकार का लेटर है। दोस्तों, ये निविदा है, तो हमें निविदा का फॉर्मेट के द्वारा इसको हल करना है। हमने इसकी भी वीडियो बनाई है, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेट है, आप हल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम इसको हल करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें कार्यालय का नाम आता है, ये रहा कार्यालय का नाम। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कट करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, ये हमेशा सेंटर में होता है, तो हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ब्लॉक में जाकर इसको सेंटर पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद क्रमांक व दिनांक आता है, तो ये रहा क्रमांक व दिनांक। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है निविदा सूचना संख्या, तो ये रही निविदा सूचना संख्या। तो हम यहाँ पे इसको बैक स्पेस सहायता से इसको थोड़ा बहुत सही कर लेंगे। दोस्तों, ये मेरा सेंटर में आता है, तो हम एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ब्लॉक में जाकर इसको सेंटर कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है पत्र का विवरण। तो दोस्तों, हम पत्र का विवरण देख लेते हैं, ये रहा पत्र का विवरण। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, इसको कट करने के बाद यहाँ पे एक बार एंटर देंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद दोस्तों, ये देखिए ये किस प्रकार शुरू हो रहा है। तो हमेशा ये एक टैप देगा, यानी एक बार छोड़ कर शुरू होता है, तो हम यहाँ पे एक बार टैप देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, ये देखिए इसमें क्या लिख रखा है, यहाँ से पढ़े लास्ट में, सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय से निविदा स्वरूप जमा कराकर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें सामान का विवरण ये रहा, हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है और ये लेटर फॉर्मेटिंग जम चुकी है। दोस्तों, उसके बाद अंत में आता है जारी करने वाले के हस्ताक्षर और पता वगैरह, तो ये रहे वो। तो हम इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा ये राइट साइड में आता है। होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाकर यहाँ पैराग्राफ ब्लॉक में जाकर इसको राइट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से जमता है। दोस्तों, अब हम इसको चेक कर लेंगे एक बारी। तो दोस्तों, ये हमारे निविदा फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।